हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जुबानी जंग में अब कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उतर आए हैं। जयराम सरकार के मंत्री राकेश पठानिया द्वारा जहां पत्रकार वार्ता कर मुकेश अग्निहोत्री को भाषा का सही प्रयोग करने की नसीहत दी और महिलाओं के अपमान के आरोप लगाए हैं, वहीं मुकेश अग्निहोत्री का बचाव करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान उतर आए हैं और उन्होंने मंत्री को ही आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उनको मालूम होना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि टब्बर की डेफिनेशन या उनका शब्दकोश कोई अलग है, और आज मंत्री जी ने जो शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो मैं चाहूंगा, उन्होंने कहा है फ्रस्ट्रेशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रस्ट्रेशन पे कि फ्रस्ट्रेशन मुकेश अग्निहोत्री जी की नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के कोने में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई है कुछ दिन पहले जो निका जी ने की है, ये फ्रस्ट्रेशन उसकी है जो आज बोल रही है। फ्रस्ट्रेशन में पठानिया जी बोल रहे हैं क्योंकि उनको खुद को आभास हो चुका है कि नूरपुर की जो जनता है वहां पर वो अपना विश्वास खो चुके हैं, और इतना बड़ा जनसमूह उनके खिलाफ वहां पर इकट्ठा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन हमें मालूम है कि आपको कौन सी है। दूसरों ने कहा कि लॉटरी लग जाए, मुकेश अग्निहोत्री खाब में है कि उनकी लॉटरी लग जाए, तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बनते, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बल्कि काबिलियत से बनते हैं, और विधायक जो हमारे चुन के आते हैं उनकी सहमति से बनते हैं, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से। कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयरमार्क कोठी है, कहां है वो कोठी, कौन उस कोठी में रह रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की बात करती है, हम तो उनको कहना चाहते हैं कि माफी मांगे हिमाचल की जनता से, जिस तरह से आपने पूरे अपनी सरकार के वक्त में विपक्ष का निरादर किया है, इससे पहले भी विपक्ष के नेता हुए। और जो दूसरी बात कह रहे हैं, मंत्री जी को भी शब्दकोश देख लेना चाहिए कि कौन सी असंसदीय भाषा है, सहेलियां कौन सा असंसदीय भाषा है, बताइए आप अपना शब्दकोश देख लीजिए कि सहेलियां कौन सी असंसदीय भाषा है। आप जो कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, क्या वो सही है प्रजातंत्र के अंदर? आप पहले अपने गिरेबान में देखें, और जो कह रहे हैं कि हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगली तो हम करेंगे। एंस्टा न्यूज़ के लिए नूरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो चार्जशीट जब से तैयार बनना तैयार हुई है।